हेलो एवरीवन, माय सेल्फ इज समी और आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीबीएसई का एक लेटेस्ट अपडेट। क्लास 10th और 12th के वो स्टूडेंट जो बोर्ड का एग्जाम में जो है अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए बहुत ही धमाकेदार खबर, बहुत ही जो है खुशी से झूमने वाली न्यूज। इसमें सीबीएसई ने जो है एक बहुत बड़ा अपडेट किया है, बहुत बड़ा जो है इसमें जो है इन्होंने जो है धमाका किया है। ये समझ लीजिए आप यह इस ये न्यूज को सुन करके खुश हो जाएंगे। और वो ये क्या है कि जो है इसमें टर्म वन की एग्जाम 10th के और 12th के वो एमसीक्यू बेस होने वाले हैं और उसमें जो है ओएमआर शीट को आपको पेन से भरने की आवश्यकता होगी। ओएमआर शीट को पेन से भरेंगे और साथ में जो है इसके अंदर मैक्सिमम 60 क्वेश्चन का जो है स्पेस होगा और उस स्पेस को जो है आपको जो है क्या भरना है, कैसे भरना है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। वो क्या है वो देखिएगा हमारे साथ कि हमने जो है इस वीडियो को जो आपके लिए बनाया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आप सबके लिए। इस ओएमआर शीट के अंदर सीबीएसई ने अपनी जो है ओएमआर शीट को कस्टमाइज किया है। कस्टमाइज किया है मतलब उसको जो है उन्होंने जो है एक सेपरेट एक अलग एक कॉलम और जो है जोड़ दिया है, जिसमें अगर आप गलती से कोई अपना जो है क्वेश्चन गलत जो है डार्क कर देते हैं तो उसके अंदर सही अल्फाबेट लिख करके ओ उस ओएमआर शीट को जो है आप ठीक कर सकते हैं। उसमें मिटाने की कोई वो नहीं है, आपको जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो ब्लू पेन से देनी है, पेंसिल का यूज बिल्कुल नहीं करना। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ओएमआर शीट में क्या करना है, हम आपको आगे भी एक्सप्लेन करते हैं। सीबीएसई ने ओएमआर शीट को 10th और 12th के लिए कस्टमाइज कर दिया गया है, मतलब जैसे कि नॉर्मल ओएमआर शीट होती है उससे थोड़ा से हट करके जो है कस्टमाइज किया गया है, उसे अनुकूल बनाया गया है स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट को फायदा पहुंचाने के लिए, स्टूडेंट को जो है भरपूर नंबर जो है गेन कर सकें और जो उनको भरपूर फायदा हो जाए। ये क्या है इसमें जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए ओएमआर शीट को स्वनिर्धारित किया है। वो क्या किया है, इसमें एक अतिरिक्त जो है बॉक्स जो है जोड़ा गया है टर्म वन में, अलग से एक कॉलम के साथ एक बॉक्स जो है जोड़ा गया है, जिसके अंदर आप का अगर जो है कोई प्रश्न जो है गलती से जो है मतलब आपने जो है उसको ओएमआर शीट पेन से जो है उसे भर दिया और पेन से ही भरना है, लेकिन उसको मिटाने का कोई जो है प्रोविजन नहीं होता, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि ये आंसर जो आपने ये ए को टिक कर दिया था, ए को भर दिया था, डार्क कर दिया था, हो सकता है उसका आंसर सी या डी हो, तो उस बॉक्स के अंदर आप जो है उस अल्फाबेट को लिख करके जो है लिख सकते हैं और आपका जो है जो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ अल्फाबेट है वही आपका आंसर माना जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही काम आने वाला है, एक अतिरिक्त बॉक्स अलग कॉलम के साथ टर्म वन परीक्षा में होगा। सीबीएसई की एमसीक्यू बेस्ड जो ओएमआर शीट पे जो है आपको जो है जो डार्क करने होंगे जो है कॉलम, उसके अंदर जो है आपको जो है मल्टीपल चॉइस जो ऑप्शन होते हैं और उसमें जो है जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके होंगे जो है केस बेस होंगे, एमसीक्यू और एसर्शन रीजनिंग टाइप के जो है प्रश्न उसमें दिए हुए होंगे आपके प्रश्न पत्र में और आपको किसी एक विकल्प को जो है डार्क करना होगा। लेकिन अगर डाउटफुल आपने जो है को लगता है कि ये जो है इसका जो है हमने गलती से जो डार्क कर दिया, आप उसे मिटा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हम जो है जो अतिरिक्त बॉक्स जो दिया हुआ है उसके अंदर उस अल्फाबेट का जो है नंबर लिख देंगे, जो है जो सही नंबर होगा वो अल्फाबेट का जो है हम अल्फाबेट हम उस बॉक्स के अंदर लिख देंगे। याद रखिएगा बहुत ही काम आने वाला है एमसीक्यू बेस और जो है इसके अलावा जो है एसर्शन रीजनिंग टाइप के सवाल आने वाले हैं 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम में। ईच ओएमआर शीट विल हैव सेम फॉर्मेट इररेस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट, देयर विल बी अ स्पेस टू रिस्पॉन्ड टू आंसर ऑफ अप टू मैक्सिमम 60 क्वेश्चन। प्रत्येक ओएमआर शीट
में विषय के परवाह किए बिना ही एक ही प्रारूप होगा, एक ही फॉर्मेट होगा और उसमें अधिकतम 60 प्रश्नों के उत्तर देने की जगह होगी। ऐसा जो है सीबीएसई की तरफ से जो है हमको जानकारी या प्राप्त हुई है। तो इसमें आप बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत से समझ लीजिएगा ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो और आप जो है बिल्कुल भली भांति जो है प्रश्न को जो है हल कर सकें। इसके बाद देखिएगा यदि किसी प्रश्न पत्र के अंदर 50 ही प्रश्न है तो छात्रों को केवल ओएमआर शीट पर 50 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे और बाकी विकल्पों को नजरअंदाज किया जाना होता है, उसको जो छोड़ना होता है, इग्नोर करना होता है। इफ ए क्वेश्चन पेपर हैज 50 क्वेश्चन देन स्टूडेंट नीड टू रिस्पॉन्ड टू ए आंसर ऑफ 50 क्वेश्चन ओनली इन ओएमआर शीट, रेस्ट ऑप्शन शुड बी इग्नोर्ड और ब्लैंक। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत समझ लीजिएगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो। ईच क्वेश्चन विल हैव 4 ऑप्शन ए बी सी डी एन इनसाइड सर्किल फॉलोड बाई ए ब्लैक स्क्वायर। सपोज फॉर एनी क्वेश्चन ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्टूडेंट नीड टू डार्कन द सर्कल ए एंड फिल द लेटर इन द स्क्वायर बॉक्स। इन केस ऑफ एनी इशू द रिस्पॉन्स mentioned in the square will be taken into account during evaluation. प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प होंगे A, B, C, D और अंदर के घेरे के बाद एक काला वर्ग होगा। मान लीजिए किसी प्रश्न के लिए विकल्प A सही है तो छात्रों को A सर्कल को काला करना होगा और अक्षर को वर्ग बॉक्स में भरना होगा। किसी भी मुद्दे के मामले में मूल्यांकन के दौरान वर्ग में उल्लेखित प्रतिक्रिया को ही ध्यान में रखा जाएगा। आपके जो नंबर हैं, जो आपने अल्फाबेट उस बॉक्स में लिखा वही सही माना जाएगा और डार्क किया हुआ उसको जो है हम इग्नोर कर सकते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से भरिए और उस अल्फाबेट का जो है जो जिसमें डाउट हो उसको आप बाद में भरिए, पहले सारे के सारे डार्क कर लीजिए और इसके बाद लास्ट में रिव्यू जब क्वेश्चन पेपर को करेंगे तो फिर आप जो है देखेंगे कि कोई अगर जो है गलती से डार्क हो गया तो उसका करेक्ट अल्फाबेट अब आप तब लिखिएगा, इससे पहले अल्फाबेट मत लिखिएगा, अल्फाबेट सबसे लास्ट में लिखिएगा और बहुत ही काम आने वाला जो है ये आपके लिए लेक्चर होने वाला है। अनदर मेजर अपडेट बाय द बोर्ड It is that it will be evaluate all OMR sheet on the same day as the exam. Meanwhile, the result of the same also have to be uploaded or handed over to the regional office that same day. It is to be noted that record of 36 lakhs student of class 10th and 12th will be taking the board exam this year. बोर्ड द्वारा एक बहुत बड़ा अपडेट यह है कि परीक्षा के दिन ही सभी ओएमआर शीट का मूल्यांकन होगा और इस बीच उसी के परिणाम भी उसी दिन अपलोड या क्षेत्रीय कार्यालय को सौंपने होंगे, भेजने होंगे। गौरतलब है कि इस साल बोर्ड परीक्षा में 10वीं और 12वीं के तकरीबन 36 लाख छात्रों के शामिल होने का एक रिकॉर्ड बनने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आप सबके लिए। आपको हम बता दें कि एडमिट कार्ड हैव बीन अपलोडेड ऑन सीबीएसई वेबसाइट, वेबसाइट पे जो अपलोड कर दिए गए हैं और आपको जो है जो एग्जाम के अंदर जो है ओएमआर शीट मिलने वाली है वो पहले से ही उसमें स्टूडेंट की डिटेल जो है भरी हुई होगी। आपको अपना नाम, अपना रोल नंबर, क्लास, ये सब कुछ नहीं भरना। आपको जो है जो भरना है वो जो है आपको जो है सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर का जो कोड होगा वो आप उस कोड को जो है बॉक्स में जो है जो भी अप्रोप्रिएट जगह है वहां पे भरना है और उसके साथ साथ एक जो है आपको डिक्लेरेशन भी जो है भरना है वो उस पे लिखा होगा, वो सेम लैंग्वेज भर करके साइन करनी होगी। हम आपको जो दिखाते हैं ओएमआर शीट का एक सैंपल आपको जो है दिखाते हैं जो कि ये लेटेस्ट जो सैंपल किस तरह का होगा वो आप देखिएगा। ये देखिए ये हमारे पास जो है सीबीएसई की जो है लेटेस्ट जो सैंपल पेपर आपको जो देख रहे हैं ना कि ओएमआर शीट है, इसके अंदर ऑलरेडी जो है डिटेल भरी हुई है
और आपको जो है जो क्वेश्चन पेपर का कोड है वो भरना है, और ये यहाँ पर आपको इन बॉक्सों के अंदर ये सर्किल करना है, और ये एक कॉलम आपको जो दिया है जिसके बारे में आपको बताया शुरू से कि यहाँ पे वो अल्फाबेट भरना है जो उसका आंसर है, और ये काम आप बाद में भी कर सकते हैं। इसके बाद जो है इसी का जो है पोर्शन का जो है सीबीएसई की जो ओएमआर शीट का अपर पोर्शन जो है ये लोअर पोर्शन ये देखिएगा कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पे जो है आपको जो है ये आपको डिक्लेरेशन भरना है, यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं, और जो है ये देखिए ये बिल्कुल आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। तो बिल्कुल एकदम बात क्लियर हो गई आपको जो है कि आपको जो है कैसे ओएमआर शीट पे जो है अपने सवालों के जो है जवाब देने हैं और डार्क करना है, पेंसिल का यूज बिल्कुल नहीं करना, पेन का यूज करना है, और अगर कोई गलती होती है डार्क अगर आपने कर दिया आपको उस क्वेश्चन के आंसर पे डाउट है तो सही अल्फाबेट लिखने के लिए आप उसे जो है बॉक्स के अंदर उस अल्फाबेट को लिखेंगे जो उसका सही आंसर पॉसिबल पॉसिबल हो सकता है, तो वही आपका जो है आंसर इवेल्युएट होगा, उसी के ही आपको यह नंबर दिए जाएंगे, उसी बेस पे ही नंबर दिए दिए जाएंगे। तो ये आपने जो देखा कि किस तरह आप इस बार ओएमआर शीट के अंदर जो है एग्जाम ये देने वाले हैं, सभी जो है स्टूडेंट को जो है बेस्ट ऑफ लक बेस्ट विशेस के साथ हम जो है इस वीडियो को यहीं पे जो है एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी अगली वीडियो कीजिए प्रतीक्षा कीजिए, हम लेटेस्ट जो है जानकारी आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए जो है अलविदा, बाय बाय।